विस्तार में हूं निवेदिता। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए गरीब रथ ट्रेनों की 2005-06 में शुरुआत की थी, ताकि गरीबों को भी लंबे रूटों पर एसी में सफर करने की सुविधा मिल सके। लेकिन लालू प्रसाद के करीब 15 साल पहले लिए इस फैसले को मौजूदा मोदी सरकार कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। तभी तो सभी गरीब रथ ट्रेनों को बंद कर उनकी जगह सुपरफास्ट ट्रेनों को शुरू करने का फैसला लिया गया है। रेलवे विभाग के मुताबिक गरीब रथ की बोगियां बननी बंद हो गई हैं, यानी अभी जो गरीब रथ पटरियों पर दौड़ रही हैं, वो करीब करीब 15 साल पुरानी हैं। इसलिए अब चरणबद्ध तरीके से गरीब रथ को सुपरफास्ट ट्रेनों में बदलने की कवायद तेजी से जारी है। यानी कि सरकार इन ट्रेनों को सुपरफास्ट तो बनाएगी ही, साथ ही इसके कोचेस की संख्या में भी बदलाव किया जाएगा। यानी कि पहले जहां 12 वातानुकूलित कोच हुआ करते थे, वहीं मोदी सरकार नई सुपरफास्ट ट्रेन में 16 कोच देने जा रही है, जिसमें जनरल, स्लीपर और एसी सभी तरह के कोचेस होंगे। सभी सुख सुविधाओं से लैस इन आधुनिक बोगियों में बहुत कुछ अलग होगा। अब सुविधाएं ज्यादा होंगी तो यकीनन किराया भी बढ़ने की ज्यादा संभावनाएं हैं। अभी देश में कुल 26 गरीब रथ ट्रेनें हैं और सभी को धीरे धीरे सुपरफास्ट ट्रेनों में बदलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि सबसे पहले पूर्वोत्तर रेलवे से चलने वाली काठगोदाम जम्मू और काठगोदाम कानपुर सेंट्रल गरीब रथ को अभी बीती 16 जुलाई को मेल एक्सप्रेस में बदल भी दिया गया है। यानी कि अब इन रूटों पर गरीब रथ का सफर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। बता दें कि गरीबों को भी एसी ट्रेन की सुख सुविधा देने के लिए 2005-06 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें काफी सराहना भी मिली थी। ट्रेन सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस थी, जो बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर के बीच चलाई गई थी, जिसमें AC 3 और चेयर कार कोचेस थे। ये देश के उस तबके के लिए शुरू की गई ट्रेनें थी जो लोग आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न नहीं हैं। अगर किराए की बात करें तो मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले गरीब रथ में सफर 40% तक सस्ता होता है। लेकिन अब जब गरीब रथ ट्रेनें बंद ही होने जा रही हैं और उनकी जगह सुपरफास्ट ट्रेनें लेने वाली हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि अब नई नवेली ट्रेनों में किराया भले ही महंगा हो, लेकिन सुविधाएं क्या क्या बढ़ने वाली हैं।